इधर मैम एक मिनट सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज लाइक थोड़ा चलो पता पड़ गया तुझे Thank you.
So good to see you, ma'am, after so long. Thank you so much. Tell us about this initiative, how important, you know, for everyone to help the people who plays a very important part, especially in the COVID time. It's all about frontline work and you are helping them out and providing them free raincoats. Not me, but the gentleman over here, Mr. Anil Murarka, is the one who has provided the raincoats for this particular time and date. But I think definitely it is, I think COVID has taught us, hum sabko sikhaya hai ki, you know, that we all need to help out. हम सबको मदद करने की जरूरत है. वी आर ऑल हियर फॉर द अदर पर्सन. और आई थिंक आर ह्यूमैनिटी इज बीइंग, यू नो, वी डिस्कवरिंग आर ह्यूमैनिटी अगेन. एंड यू नो, जब हम मतलब हमारा घर साफ करते हैं तो सडनली सबको पता चल गया कि कितना काम जाता है उसमें साफ करने के लिए. तो देन यू क्लीन द सिटी इज अ मच मच बिगर टास्क. एंड दीज पीपल हैव बीन गोइंग अहेड एंड डूइंग एग्जैक्टली दैट फॉर थ्रू आउट ऑल दिस टाइम. A lot of us in this pandemic have stayed at home. हम सब घर बैठे देख रहे हैं कि हमारी सिटी, हमारा देश, यू नो, क्या कर रहा है. बट दीज पीपल हैव बीन आउट देयर वर्किंग डे इन एंड डे आउट. एंड हैट्स ऑफ टू देम. डिस्पाइट एवरीथिंग दे हैव गॉन, डिस्पाइट ऑल दिस एंटायर पैंडेमिक, दे हैव गॉन आउट, दे हैव क्लीन द सुअर्स, दे हैव क्लीन द स्ट्रीट्स. दे हैव रिसेंटली वो साइक्लोन भी आया था जहाँ पे कितने पेड़ गिर गए थे हमारी सिटी में. एंड आई एम पार्ट ऑफ जुगू. So I know for a fact that the next day itself, that दूसरे दिन ही actually आपने इतना
इतने पेड़ गिरे थे उस दिन बिकॉज आई नो बिकॉज आई ट्राइड टू गो आउट एंड आई कुडंट बट द नेक्स्ट डे इटसेल्फ द रोड्स वर क्लियर यस द ट्रीज वर ऑन द साइड बट द रोड्स वर क्लियर एंड दे वर पॉसिबल सो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी कमेंडेबल टू द बीएमसी एंड आई रियली थिंक दैट दिस इज द टाइम व्हेन पीपल लाइक देम शुड बी ऑल्सो गिवन एनकरेजमेंट हमको डेफिनेटली उनकी तरफ मतलब एक शाबाशी देनी पड़ेगी क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते हम ये काम नहीं कर सकते आम आदमी नहीं कर सकता है जो काम हम आम आदमी नहीं कर सकता है वो ये लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक रेनकोट इज द लीस्ट दैट वी कैन डू फॉर देम बट हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू आई रियली थैंक देम And when you were giving them, you were distributing the inputs to them, we could see the smile on their face. How much smile it brings to you all also? Like it's like this favorite celebrity coming and giving them to us. I think it's, what can I say? I'm very grateful that I'm a celebrity. I'm very grateful that I can bring a little bit of joy to them. And अगर उनकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं उनके हाथ में एक रेनकोट दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ये बहुत आम चीज है जो मैंने की है लेकिन I definitely hope that it helps them in any which way. Madam, who inspire you a lot? You know, abhi thode waqt pehle jaise aapne Kaute ka zikr kiya, Yug aur Ajay sir dono aaye the, unhone bhi ek ped lagaya. Who inspire you a lot? Who inspires me a lot? You know, it's not any one person in particular. Lekin agar aap dekho, to I think the people who inspire me the most is the common man. I have seen so much kindness. Itne log khade ho gaye hain is COVID time mein. और हाँ आई हैव टू से कि ये पैंडेमिक की वजह से यू नो काफ़ी कुछ बुरा भी हुआ है लेकिन इस पैंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखाई है कि एक अच्छाई है जो हमारे नेबर्स में है जो हमारे रस्ते के लोगों में है एवरीबडी हैज स्टूड अप सब ने कुछ ना कुछ अपने हाथों से शुरू किया है समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेंटिलेटर्स सब ने मतलब मिलजुल के डिसाइड किया है कि हम एक साथ लड़ने वाले हैं and they're not fighting for themselves they're fighting for somebody else whom they don't know so I think in a city like Bombay jahan pe hum log rehte hain hum kabhi ye sochte nahi ki hamari gaadi mein side wali gaadi mein kaun hai ya hamari building mein agar hum rehte hain to hum often ye jante nahi ki hamare neighbors ka naam kya hai ya jo bhi hai so I think kahin na kahin is pandemic ne ek achhi cheez zarur ki hai humne ki humko ye apni khud ki aur dusron ki humanity zarur dikha diya and I'm really grateful for that अक्सर ये बोलता है आज ही वही दो लाइन बोलूँगा आवाम तक पहुँचने के लिए बॉलीवुड बहुत ज़रूरी है आज एक अनिल मुरारका आवाम को कुछ बोलेगा तो शायद आवाम की बात समझ में कभी नहीं आएगी बट वेन इट्स बॉलीवुड फेस इज टॉकिंग इट मेक्स द एंटायर डिफरेंस That's the impact what is matters about. मैं तो सबसे पहले अतुल मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा बीएमसी की तरफ से जो भी काम हुआ है वो काम को एक्नॉलेज पहली बार मैंने देखा हूँ कि काफ़ी लोग सामने से आके सेलिब्रिटीज है वी आई पीज है और कॉमन सिटीजन्स भी है जो सामने से हमको मैसेजेस करते हैं कि हम वहाँ पे अटके हुए थे हमको ये मदद मिली वो मदद मिली मैं कहना चाहूँगा अजय सर ने भी सोशल कॉज के लिए शिवाजी पार्क में एक बीएमसी के लिए पूरा कोविड सेंटर बनाया है अक्षय सर ने केवीएस के लिए हमारे यहाँ पे डोनेशन दिया हुआ है तो इन्होंने जो सेंसिटिविटी दिखाई है वो सेंसिटिविटी कोविड के माध्यम से हमारे पास इतना रिसोर्सेस मिल गए ताकि हमको काम करने में हमेशा मोटिवेशन मिल गया और फाइट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज थे वो सब हमारे इंटरनल हमारे एज अ ऑर्गेनाइजेशन से तो थे ही बट सामने से जब मिल के आए तो एक संघ प्रवृत्ति टीम वर्क जो होता है वो टीम हमको देखने को मिला कि सिटीजन्स भी हमारे साथ में तो ये सबसे बड़ा गेन समझूंगा मैं और ये छोटा सा सोशल कॉज के लिए मैडम ने भी समय निकाला अनिल जी ने मेंशन किया सानिया मैडम है एंड द होल शो के जो मेन नोडल अनुषा मैडम है मेगा फाउंडेशन की तरफ से उनका मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों का आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैडम यहाँ आती है वो हर जगह पे जो मैसेज पहुँचेंगे तो आप हैं हमारे अम्बेडकर और हम चाहते हैं कि जो भी काम होता है वो डिमांड सप्लाई का गैप तो है ही बट सर्विसेज जो मिलती है लोगों के लिए सिटीजन्स के लिए वो सर्विसेज हम आप मिलकर इसको इम्प्रूव करना करने की कोशिश करनी चाहिए
आप सब लोग आए हैं, हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे तो और भी कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे ताकि एक सिटी सोसाइटी को हमेशा के लिए अपन उनको जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंसिबिलिटी है या सेंस ऑफ ओनरशिप है, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। जनता के लिए क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक मेरा यही सेम मैसेज होगा। आई थिंक जो काम करने वाले होते हैं उनको समझ में आता है कि काम कितनी बड़ी चीज़ होती है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और आई थिंक ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे पैंडेमिक में सचमुच पता चलता है कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। सो आई थिंक जैसे मैंने कहा, देयर इज नो मैसेज रियली। आई जस्ट थिंक दैट वी शुड डेफिनेटली अपलॉड दीज पीपल हु आर डूइंग थिंग्स दैट वी कांट डू फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो एक सिंगर हूँ तो दो लाइन सिंगिंग में करके आपको बताऊंगी मैं क्या चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है। हर कदम इतनी जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एवरीबॉडी केम हियर टुडे। अनिल जी थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग टू पीपल हु हैव बीन डोनेटिंग देयर लाइफ टू अस। थैंक यू विश्वास जी टू मेक दिस हैपन। थैंक यू काजल जी एंड थैंक यू सानिया। थैंक यू। I think all of you make a world of a difference to us. Let us all make green again. Thanks for us. Thank you. Thank you so much. One picture, sir. Sir, yeah. Ek picture kar lete hain sir. Yeah. Come, come. Let's finish this. Thank you, ma'am. चलो चलो योगा में योगा नहीं मिलेगा ना। देख लो